नमस्ते गुरुकुलियंस, कक्षा दसवीं के एक और हिंदी कालांश में आप सबका स्वागत है। हम अपने पिछले कालांशों में हमारे व्याकरण के एक प्रकरण रस का अध्ययन कर रहे हैं, उसी कड़ी में आज हम रस के तीसरे प्रकार जिसका कि नाम होता है करुण रस, आज हम अपने इस कालांश में करुण रस के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। पिछले दो कालांशों में हमने श्रृंगार रस और वीर रस का अध्ययन किया। नायक नायिका का प्रेम अभिव्यक्त जहां पे हो श्रृंगार रस वहां पे होता था, और जहां पर वीरता की बातों से परिपूर्ण बातों का बखान हो वहां पे वीर रस होता था। तो सबसे पहले परिभाषा को जानने से पहले हमें उस रस के स्थाई भाव का नाम पता होना चाहिए, और उस स्थाई भाव का नाम है शोक। करुण रस का स्थाई भाव, जैसे श्रृंगार रस का स्थाई भाव होता था रति, वीर रस का स्थाई भाव होता था उत्साह। अब परिभाषा हमारी, जहां पे शोक नामक स्थाई भाव भाव विभाव अनुभाव के माध्यम से दर्शकों के श्रोताओं के पाठकों के मन को आनंद की अनुभूति करवाता है, वहां पर करुण रस विद्यमान होता है। किसी भी रस की परिभाषा को याद रखने के लिए उसके स्थाई भाव का नाम सर्वप्रथम लेके आइए, और फिर रस के सूत्र में जो भाव विभाव अनुभाव होते हैं उनको उठाइए। शोक नामक स्थाई भाव भाव विभाव अनुभाव के माध्यम से, जैसे यहाँ पे रति नामक स्थाई भाव और यहाँ पे उत्साह नामक स्थाई भाव। अब थोड़ा सा विस्तार से चर्चा, करुण रस होगा कहाँ पर? करुण रस जैसे कि जहाँ पर ईष्ट यानी के बहुत ज़्यादा प्रिय, यानी ईष्ट की हानि, कोई बहुत ज़्यादा जो प्रिय है बहुत ज़्यादा प्यारा है वो छोड़ के चला गया हो। चिरवियोग, चिरवियोग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा लंबे समय का अलगाव होना, या फिर प्रियजन की पीड़ा, बहुत ज़्यादा जो प्यारा हो प्रियजन की पीड़ा, यानी कि इनसे उत्पन्न हुआ शोक नामक स्थाई भाव जो है वो ही करुण रस में परिवर्तित होता है। प्यारे बच्चों, एक बात का ध्यान रखना है हम सबको, जो हमने श्रृंगार रस का दूसरा पक्ष पढ़ा था जिसका नाम था वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार में भी शोक की कुछ कुछ जो दशाएं थी वो विद्यमान थी, लेकिन वहाँ पर शोक का जो भाव था वो तीव्र मात्रा में नहीं था, क्योंकि वहाँ पर मिलने की जो आस है ना वो बंधी रहती है। हमने पढ़ा था मन की मन ही मांझ रही, दुख तो वहाँ भी था लेकिन गोपियों को ये विश्वास था कि श्री कृष्ण वापस लौट करके आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर वो वाली जो बात है वो नहीं होती। यहाँ पर जो अलगाव होता है वो लंबे समय का होता है, इसलिए यहाँ जो स्थाई भाव शोक नामक स्थाई भाव है वो तीव्रता की मात्रा में, यानी अधिक जो भाव है वो विद्यमान होता है। वियोग श्रृंगार में इतनी तीव्रता नहीं होती, जबकि यहाँ पर तीव्रता का भाव विद्यमान होता है। सीधी सी दो परिभाषा आपके सामने है, शोक नामक स्थाई भाव भाव विभाव अनुभाव के माध्यम से व्यंजित होकर परिपुष्ट होकर परिपूर्ण होकर जब दर्शकों के पाठकों के श्रोताओं के मन को प्रसन्नता दे, या फिर जहाँ ईष्ट यानी बहुत ज़्यादा प्रिय है, ईष्ट की हानि, चिर वियोग, प्रियजन की पीड़ा हो, तो वहाँ पर शोक नामक स्थाई भाव ही करुण रस में परिवर्तित हो जाता है। अब हम नियमित रूप से जिन चीज़ों का अध्ययन करते हैं उनमें आता है हमारा आलंबन, उद्दीपन,
आश्रय, अनुभव और संचारी भाव। तो करुण रस में जो हमारा आलंबन होगा, तो आलंबन क्या होगा? आलंबन होगा कोई भी मृत संबंधी, भाई ऐसा कोई प्यारा, ऐसा कोई संबंधी जो दुनिया को छोड़कर के चला गया हो, या फिर कोई दीन व्यक्ति। दीन व्यक्ति का मतलब बहुत ज़्यादा गरीब व्यक्ति, जिसको देख करके हमारे हृदय में जो करुणता का भाव है, जो शोक नामक स्थायी भाव है, वो जागा हो, या फिर कोई जर्जर अवस्था। जर्जर अवस्था का मतलब होता है बिल्कुल खस्ता हालत, जैसे कि कोई भिखारी हो, बहुत फटे पुराने वस्त्र उसने पहन रखे हो और कड़ी धूप में बेचारा भीख मांग रहा हो, तो उसको देख करके भी हमारे मन में ये जो भाव है वो जाग जाता है। उसके बाद नंबर दो जो हम पढ़ते हैं वो होता है उद्दीपन। उद्दीपन का मतलब वो सारी की सारी प्रेरक परिस्थितियाँ जो स्थायी भाव को और भी ज़्यादा बढ़ा देती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो दुनिया को छोड़कर के चला गया, कहने का मतलब मृत संबंधी जो है उसके गुण, उसके वस्त्र, उसकी यादें या फिर उसके जो चित्र होते हैं, वो इस स्थायी भाव को और भी ज़्यादा बढ़ाने का काम करेंगे। इसके बाद आता है आश्रय। आश्रय वही होगा जिसके मन में ये जो स्थायी भाव है वो पैदा हुआ होगा, यानी शोकातुर व्यक्ति। उसके बाद हम पढ़ते हैं अनुभव। अब जिसके मन में शोक नामक स्थायी भाव जगा हुआ है, उसके अनुभव यानी उसकी क्रियाएं जो हैं वो क्या होंगी, तो सीधी सी बात है अश्रु बहाना, कहने का मतलब आंसू आना, निसंदेह वो रोएगा ही रोएगा। दूसरी बात होती है भूमि पर गिरना, ये भी वो निसंदेह काम करेगा। एक और बात हो सकती है भाग्य को कोसना, वो अपने भाग्य को भी कोसेगा कि हे परमपिता परमेश्वर, तूने मेरे साथ इतना अन्याय क्यों किया है। अब बात बची संचारी भाव की। संचारी भाव कौन से होते हैं, जो स्थायी भाव को जागृत करने का काम करते हैं। तो मोह हो सकता है, चिंता हो सकती है, विषाद हो सकता है, विषाद का मतलब दुख होता है, या फिर स्मृति हो सकती है, ये यहाँ पर स्थायी भाव का काम करेंगे। अब एक उदाहरण के माध्यम से हम इस रस को चरितार्थ करने का, घटित करने का प्रयास करते हैं। जैसे अभी तो मुकुट बंधा था माथ, कल ही हुए थे हल्दी के हाथ, हाय लुट गया संसार, सिंदूर बना अंगार। तो प्यारे बच्चों, ये हमने लिखा अभी तो मुकुट बंधा था माथ,
भाई अभी तो माथे पर मुकुट ही बंधा था, कल ही हुए थे हल्दी के हाथ और कल ही हाथों में हल्दी लगी थी, यानी कि विवाह हुआ था, हाय लुट गया संसार। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पूरे का पूरा उसका तो संसार ही लुट गया, सिंदूर बना अंगार। भाई जो उसका सिंदूर था अर्थात जो उसका पति था वो अंगार बन गया, कहने का मतलब वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसको अग्नि के जो समर्पित है ना वो कर दिया गया है। अब पंक्तियों को पढ़ते ही हमारे मन में एक भाव जागता है, भाई जिसका अभी विवाह हुआ हो, जिसके हाथों में अभी मेहंदी ही लगी हो, माथे पर विवाह के समय लड़की के माथे पर एक मुकुट टाइप का जो लगाया जाता है वो ही बंधा हो और इतना जल्दी उसके पति का संसार को छोड़ करके चले जाना, तो निसंदेह करुण रस की उत्पत्ति यहाँ पर होती है। अब अगर हम इसको आलंबन उद्दीपन के अनुसार ढाल के देखें तो आलंबन यानी आलंबन हमारा जो बनेगा, आलंबन क्या होता है, जिसको देख करके स्थाई भाव जगे, तो स्थाई भाव जगने का कारण क्या है, पति का वियोग होना, पति का संसार छोड़ करके चले जाना। उद्दीपन की बात अगर हम करें, कौन सी चीज़ें जो हैं वो स्थाई भाव को बढ़ाने का काम कर रही हैं, तो माथे पर बंधा हुआ जो मुकुट है वो और हल्दी के जो हाथ हैं वो और भी ज़्यादा दुख को बढ़ा रहे हैं। भाई अभी तो शादी हुई हुई थी और इतनी जल्दी पति पत्नी के बीच का जो अलगाव है वो हो गया है। आश्रय क्या होगा हमारा, आश्रय कौन होगा, अब पति का वियोग हुआ है तो निसंदेह उसकी जो पत्नी है वो आश्रय का काम करेगी। उसके बाद हम पढ़ते हैं अनुभाव को, अनुभाव यानी उसका आंसू बहाना और प्रलाप करना, प्रलाप करना पागलों जैसी बातें करना, ये उसके अनुभाव होंगे। और अंत में बचा संचारी भाव, संचारी भाव सीधे से चिंता विषाद स्मृति वो सारे के सारे संचारी भाव का काम करेंगे, चिंता विषाद और स्मृति। तो ये एक उदाहरण के माध्यम से हमने इस रस का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। हम अलंकारों में उपमा अलंकार में एक अति महत्वपूर्ण पंक्ति पढ़ते हैं, हम पिछली क्लास में पढ़ भी चुके हैं, हमने पढ़ा था हाय फूल सी खाए फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। भाई फूल की, फूल के समान कोमल बच्ची जो थी वो राख की ढेरी में तब्दील हो गई, तो निसंदेह पंक्ति को पढ़ करके शोक नामक स्थाई भाव जो है वो हमारे हृदय में जागता ही जागता है। जैसे मेरे हृदय के हर्ष हा, मेरे हृदय के हर्ष हा अभिमन्यु अब तू है कहाँ। अभिमन्यु के मृत शरीर के पास बैठ करके उसकी माता द्वारा किया गया ये जो बात है, उनके द्वारा कही गई, विलाप करते हुए वो ये बात बोलती है कि मेरे हृदय के प्रसन्नता के कारण हे अभिमन्यु अब तू कहाँ चला गया है। अन्य उदाहरण जैसे हम पढ़े, देख नहीं पाता मैं माँ के नयनों की जलधार, मेरा हृदय हिला देती है उसकी करुण पुकार। दोबारा सुनिए, मेरा हृदय हिला, देख नहीं पाता मैं माँ के नयनों की जलधार, मेरा हृदय हिला देती है उसकी करुण पुकार। अन्य उदाहरण, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा करुण रस जिसका कि हमने आज विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। आशा करता हूँ
आपको ये सारी की सारी जो बातें हैं वो भली भांति समझ में आई होंगी। अगले लेक्चर में एक और रस के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक सुरक्षित रहिए। अनेक अनेक धन्यवाद।